पीएम मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से शुभकामनाएं मिली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ही पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने इसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के जन्मदिन पर ऐसा करना कई लोगों को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने नौकरियों की उपलब्धता पर अखबार की एक कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि यही कारण है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी हैशटैग के साथ ट्वीट किया, युवाओं ने महाहुंकार भरी है, अभी भी सरकार आंख मूंदे बैठी रही और अपना रुख नहीं बदला तो युवा सरकार बदल देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह चश्मा उपहार में देना चाहती हूं। इसको पहनकर शायद उन्हें असलियत नजर आ जाए, करोड़ों बेरोजगार युवा नजर आ जाएं जिनके लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। इन हैशटैग्स के इस्तेमाल और उनके साथ किए गए ट्वीट्स पर आपत्ति जताने वालों की भी कमी नहीं है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसले से 2 सप्ताह पहले बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई इकबाल अंसारी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार देने की अपील की है। अंसारी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत 48 आरोपियों को निर्दोष ठहराने की अपील करते हुए इस पूरे मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इकबाल अंसारी ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपियों में से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जो जिंदा हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सभी केस हटा दिए जाएं और इस पूरे मसले को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे भी कोई विवाद नहीं बाकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी सितंभा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल ने साथ ही देश में सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को आपसी सौहार्द के साथ रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सालों से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया और अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े हर दिन 4,000 से ऊपर तक निकल गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक मामले और बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा दी है। 4,473 पॉजिटिव केसेस आए और टोटल जो टेस्ट किए गए थे वो 62,593 किए गए, जो कि 7.15 पॉजिटिविटी रेट कल का रहा है। और रिकवरी जो है 3,313 लोग रिकवर हुए हैं और डेथ रेट जो है 0.7% के लिए पिछले 10 दिन का हमारा जो दिल्ली में चल रहा है। जैसे बेड की संख्या बढ़ाई गई है, 2 अस्पतालों में और 200 बेड जोड़े गए हैं, अभी कुल कितने बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं या दिल्ली में, और
किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं अभी? देखिए, दिल्ली में अभी 14,521 बेड अवेलेबल हैं और इसको और बढ़ाया जा रहा है, जिसमें से लगभग लगभग 50% ऑक्यूपाइड है। जो पहले आते थे तो प्रीवियस डेथ के आंकड़े फिर से आने लगे हैं, तो इसमें क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, वो किसी किसी अस्पताल में ना, जैसे मान लो किसी ने डिक्लेयर करने में एक दिन लेट कर दिया, एक्चुअली रात के 12 बजे तक का देना होता है, तो कभी कभी और उसको डाटा इकट्ठा करने में किसी एक अस्पताल से गलती हो गई, तो वो एक या दो बार ही आया है। चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना भी चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जहां विपक्ष भारत की मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में भारत चीन तनाव को लेकर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने चीन की पोल भी खोली। भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्ट न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत का चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवाओं ने आक्रोश जताया। कांग्रेस ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। साथ ही पकौड़े तलते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदुस्तान का नौजवान आज बेरोजगारी की दस्तक पर खड़ा है। बेरोजगारी के साथ साथ वो अपने आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में और देश में करोड़ों और अपनी वाहवाही कराने के लिए आज सरेआम खड़े हैं। हम निंदा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से कहते हैं सिर्फ मोरों को दाना खिलाने से या जन्मदिन की वाहवाही करने से इस देश का आर्थिक संकट नहीं दूर होगा। आज देश के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, और ये रोजगार जब तक नहीं मिलेगा देश का नौजवान यूथ कांग्रेस के बैनर तले ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहेगा।